नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में माता शबरी जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह एवं आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास का नया इतिहास बनाया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों से पलायन को रोकने, रोजगार देने और स्थानीय उपज का उचित दाम दिलाने के लिए सुनियोजित योजनाएं बनेंगी। जनसंपर्क मंत्री श्री पीसी शर्मा ने राजभवन में प्रेस प्रकोष्ठ कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालयीन व्यवस्थाओं और उपलब्ध संसाधनों के संबंध में प्रेस प्रकोष्ठ के अधिकारियों कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त की। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव ने दिल्ली में आयोजित एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव एंड स्वराज अवार्ड्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि जैविक खेती में किसानों की सभी समस्याओं का समाधान है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह अपने प्रभार के जिला रायगढ़ के अंतर्गत ब्यावरा में आयोजित मां शबरी जयंती समारोह में शामिल हुए। आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री ओमकार सिंह मरकाम भी कार्यक्रम में पहुंचे। मंत्रीद्वय को कार्यक्रम में साफा बांधकर और तीर कमान भेंट कर सम्मानित किया गया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री आरिफ अकील ने स्थानीय नागरिकों और संभागायुक्त श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव के साथ अपने निवास पर भोपाल विकास प्लान का प्रेजेंटेशन देखा। श्री आरिफ अकील ने उपस्थित नागरिकों से प्लान पर अगले 2-3 दिन के भीतर सुझाव देने को कहा। श्री अकील ने बताया कि नागरिकों से प्राप्त सुझावों को विभाग को प्रेषित किया जाएगा। उच्च शिक्षा एवं युवा कल्याण मंत्री श्री जीतू पटवारी ने राव विधानसभा क्षेत्र का सघन दौरा किया। वे क्षेत्र की लगभग सभी कॉलोनियों और ग्रामीण अंचल में पहुंचे और लोगों से सीधा संवाद किया। श्री पटवारी ने भ्रमण के दौरान लोगों की समस्याओं का निराकरण भी किया। कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री हर्ष यादव ने भोपाल हाट में नेशनल हैंडलूम एक्सपो के समापन अवसर पर प्रदेश के उत्कृष्ट शिल्पियों को राज्य स्तरीय कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि माटी शिल्प, बांस शिल्प, कास्ट कला, बुटिक प्रिंट, गोंडी चित्रकला, ब्लॉक प्रिंट, जूट शिल्प और ऐसी ही अन्य हस्तकलाओं के प्रतिभावान कलाकारों को निरंतर प्रोत्साहित किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने आगर विकास खंड के ग्राम जमुनिया एवं अभ्याना में भ्रमण के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आगर विधानसभा क्षेत्र में किसानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए जरूरत के अनुसार नए ग्रिड स्वीकृत किए जाएंगे। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कैंप लगाकर विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।